बुधनी में अध्यापक संवर्ग को छठे वेतनमान का एरियर की राशि का भुगतान एवं सर्विस पूर्ण न होने से परेशान अध्यापक संवर्ग के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संकुल केंद्र लाड़कुई क्षेत्र के अध्यापक संवर्गों को छठा वेतन का एरियर का भुगतान आज दिनांक तक नहीं किया गया, जबकि पूरे मध्य प्रदेश में उक्त राशि का भुगतान किया जा चुका है, जिसको लेकर अध्यापकों ने संकुल प्रभारी लॉरेंस बड़ा प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लाड़कुई को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया कि अगर 10 जनवरी तक एरिया की राशि का भुगतान नहीं किया गया तो संकुल केंद्र लाड़कुई के समस्त अध्यापक आंदोलन हड़ताल एवं चक्का जाम करने को मजबूर हो जाएंगे। वहीं प्राचार्य द्वारा कहा गया कि हमारे यहाँ बाबू और अकाउंटेंट नहीं है, जिसके लिए हमें कई बार वरिष्ठ कार्यालय को लिख भी चुके हैं और संकुल केंद्र बड़ा होने के कारण व्यवस्था में विलंब हो रहा है। आज दिनांक तक हमको इसकी राशि प्राप्त नहीं हुई। अब ये सब संकुल में आप है हमारे लिए, तो जो भी करना है सर आपको करना है। लेवल से आपको लेवल से बोल ठीक है। मैंने ये सुना जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को लिख दिया है। वो तो शाम को जाना है उनकी दुकान पे, बुलाया कर सकते हैं। क्या कर सकते? हमारा एरियर्स मिल जाए सर, हम तो बस ये चाहते हैं हमारा पैसा मिल जाए सर। एरियर्स का हमने प्रयास किया है बी ऑफिस से, संतुलन बाबू को बुला करते हैं सोमवार से करते हैं। ठीक है लिख दिया है कि हमारे पास कई वर्षों से बाबू अकाउंटेंट नहीं है और मास्टरों से हम ये अनर्गल काम नहीं करा सकते। नहीं, लेकिन सर हमारा भी एक निवेदन ये था कि बाबू की जगह कोई काम कर रहा है, कोई तो कर रहा है। आज 9 महीने से कोई तो बाबू की जगह काम कर रहा है, कोई पेमेंट बनाता है, कोई या तो मेरा ये निवेदन है कि आप पेमेंट। क्या समस्या थी जिसको? ये समस्या थी सर, हमारे छठवें वेतनमान का एरियर्स हमको लगभग अब से 9 महीने पहले मिल जाना था, लेकिन आज दिनांक तक हमको एरियर्स की राशि प्राप्त नहीं हुई। नहीं तो इसका क्या कारण बताया अभी आपने? जैसे हमारे संकुल प्रभारी ने बताया हमारे यहाँ बाबू नहीं है, अकाउंटेंट की कोई व्यवस्था नहीं है, तो हम शासन से भी ये निवेदन करते हैं कि यहाँ ऐसी व्यवस्था की जाए कि हमको समय से हमारे हक का पैसा है, हमारा एरियर्स का पैसा है, यह हमारा पैसा है और हमको 9 महीने तक आज दिनांक तक हमको नहीं मिल पाया और अभी भी कोई व्यवस्था ऐसी नहीं लग रही कि हमको बहुत जल्दी वेतन मिले। अगर ये 10 जनवरी तक ये व्यवस्था और ये पैसा हम तक नहीं पहुँचा तो हम आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे रोड पे। ये हमने सारे संकुल केंद्र के अध्यापकों ने ये व्यवस्था कर रखी है और मध्य प्रदेश के पूरे अध्यापकों को ये राशि मिल चुकी है। मात्र एक लाड़कुई संकुल केंद्र ऐसा है जहाँ ये राशि आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुई। देखो, आपने सीहोर जिले में नसुलन ब्लॉक का सबसे बड़ा संकुल है, संकुल व्यवस्था को चलाने के लिए ना बाबू है ना अकाउंटेंट है, तो इस कारण से पिछड़ रहे हैं। नहीं तो काफी समय से बाबू की समस्या रही है, अभी तक व्यवस्था नहीं हो पाई, क्या कारण है? हमने ऊपर तक लिखा है जी, लेकिन व्यवस्था नहीं हो पाई। नहीं तो इसमें तो काफी विलंब होगा ना, जैसे पूरे मध्य प्रदेश में, जैसे टीचर बता रहे पूरे मध्य प्रदेश में अपन मिल चुका है उनको एरिया, यहाँ पे नहीं दिया गया, तो कोई ना कोई तो इसको व्यवस्था को देखता होगा, तो वो ये व्यवस्था को छोड़ क्यों दिया है, यानी इनको क्यों छोड़ दिया है, एरियल क्यों नहीं बनाया अभी तक? बाबू ने कौन बनाया? नहीं तो अभी तक जैसे कोई व्यवस्था बिना बाबू के तनख्वाह वगैरह भी तो बनती होगी, जब तो बन जाती है जी, लेकिन सर्विस को लिखना नहीं आता भैया मास्टरों को। अच्छा, फिर कैसे करेंगे हम? नहीं तो आपन इतना बड़ा सर्विस कंप्लीट होगी ना 179, उसके बाद ही एरिया का होगा। नहीं तो इतना बड़ा अपन, जैसे आपने खुद ने बोला कि बड़ा संकुल है, तो बाबू की व्यवस्था में इतना विलंब क्यों हो रहा है? हमने वरिष्ठ कार्यालय को लिख दिया है।